good morning, students. welcome to your social studies class. so today i'm going to start chapter number 24, economics, globalization and the india economy. globalization is the interaction, integration between countries through foreign trade and foreign investment by mncs. so globalization, what? globalization is a process between different countries through foreign trade and foreign investments by the mncs. okay?

फॉरेन कंट्रीज से लाइक यूरोप कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ एंड यू से आते थे बट फ्रॉम द मिडल ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी थिंग्स बिगेन टू चेंज लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी में के मिडल से टाइम चेंज होने लगा सम कंपनीज बिकेम एम एनसीज एज दे स्प्रेड देयर इकनॉमिक एक्टिविटीज टू वेरियस पार्टस ऑफ द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज कुछ कंपनीज एम हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट कंट्रीज में भी वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी स्प्रेड कर दिया एम एनसीज एन एम एन सी इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री एम एन सी क्या है एम एन सी एक ऐसी कंपनी है जो कि ओन करती है कंट्रोल करती है अपना प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री एम एनसीटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजंस वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज़ टू मिनिमाइज़ कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट एम कैसे वर्क करती हैं ये अपने फैक्ट्रीज ऑफिस को डिफरेंट uh, रीजन्स में स्टैब्लिश uh, करती हैं वेयर दे गेट चीप लेबर्स एंड अदर रिसोर्स जिसमें कॉस्ट कम लगे उनकी और उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो मैक्सिमम हो एडवाटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट बाई स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज द एम एनसी गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्स एट cheap prices this increases their profit by spreading the production by spreading the production the mnc's generate employment opportunities in underdeveloped countries सो so, जब एम एन सीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करती हैं अपना प्रोडक्शन या अपनी कंपनीज़ uh, को सो so इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है बिकॉज़ वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वहाँ पे एम एन सीज़ ये अपने अंदर हा, हायर करती हैं नेक्स्ट इज़ इंटरलेक् प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ एम एन सीज़ लिंक द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ सम वे ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज आर डिस्कस्ड बिलो कौन कौन से इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस होता है फर्स्ट इज़ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी बेस्ड इन वन कंट्री इन टू कंपनी बेस्ड इन अनदर कंट्री फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरी एमेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट करती है सेकेंड इज पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर इसमें क्या होता है एक बड़ी एमएनसी, एक बड़ी कंपनी लोकल कंपनीज़ या प्रोडक्शन यूनिट uh, जो है उनके साथ पार्टनरशिप पे वर्क करती हैं जॉइंट वेंचर करती हैं थर्ड इज लोकल कंपनीज मर्जेस एंड टेक ओवर एम एनसीज लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स और मर्ज विथ लोकल कंपनीज इज एक्सपैंड प्रोडक्शन एम क्या करती हैं जो लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स है या जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उसको आ, अपना प्रोडक्शन बड़ा करने के लिए उसको अपने अंदर ओन कर लेती हैं खुद से ले खरीद लेती हैं नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट सो मनी स्पेंट लैंड के लिए बिल्डिंग के लिए मशीन्स के लिए या अदर इक्विपमेंट्स जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं उसमें जो भी मनी स्पेंट होती है उस वो क्या हो जाता है इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज़ एम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स uh, भी वहाँ के छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को या जो uh, जिनका सेलिंग uh, बहुत कम है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और उस नाम किसका रहता है वो जो बड़ी एम कंपनी रहेगी उसका नेक्स्ट इज़ फॉरन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स फॉरन ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सो फॉरेन ट्रेड क्या है ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड इसको हम और भी किस नाम से जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड पोर्ट सो इसमें ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रहता है और पोर्ट भी रहता है सो वॉट इज़ एंट्री पोर्ट एंट्री पोर्ट क्या होता है कि जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक पोर्ट uh, सिटी होती है जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो वर्क होता है वो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे होता है सो फॉरन ट्रेड हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्किट्स इन द फॉलोइंग वेज फॉरन ट्रेड कैसे हेल्प करता है गिवस अपॉर्चुनिटी टू द प्रोडूसर टू रीच बियॉन्ड लोकल एंड डोमेस्टिक मार्किट्स बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ गुड्स इंक्रीज Competition among producers, so better quality of goods and services, overall reduction in the price of goods, facilitate movement of people, ideas, and technology, facilitate movement of goods, services between countries. So foreign trade, sir, me, these are benefits. Next is globalization. Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries by greater program. Uh, sorry. By greater foreign investment and great foreign trade. So, globalization is a process of rapid integration ka between the uh, two or more countries through foreign investment and foreign trade. Due to these two factors, there is an integration of market as well as production centers. ग्लोबलाइजेशन एंड द माइग्रेशन बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंट्रीज़ आर कनेक्टेड थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन दैम दैट इज माइग्रेशन पीपल यूजअली मूव फ्राम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ हायर इनकम बेटर जॉब्स एजुकेशन एक्सेट्रा दिस हैज़ बीन गोइंग टू मैनी कंट्रीज ओके सो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट का ही प्रोसेस नहीं है राधर ये माइग्रेशन uh, को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है पीपल को हायर इनकम चाहिए बेटर जॉब चाहिए बेटर एजुकेशन फ़ैसिलिटीज़ चाहिए बेटर लाइफ चाहिए इन सब के लिए उनको जहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिलती है अवेलेबल होती हैं सो वो वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं सो ग्लोबलाइजेशन गुड्स और सर्विसेज के अलावा बेटर लाइफ और बेटर लाइफ को भी प्रमोट करता है नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है फ़ास्ट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट फिफ्टी ईयर्स सच एज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैव रिजल्टेड इन मच मोर फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट लोअर कॉस्ट रोल ऑफ आई टी इन ग्लोबलाइजेशन आई टी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉटेंट रोल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो भी टेलीग्राफ्स होते हैं टेलीफोन हो गए मोबाइल फैक्स ये सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सारे थ्रू के ये सारी चीज़ों के थ्रू भी जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं या जो अर्बन एरियाज़ हैं कहीं कहीं पे उतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि हम कहीं और कहीं से कनेक्ट हो पाएँ सो ये टेली के थ्रू हम अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं सो so, आईटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट लोकल इंटरप्रीनियोर फ्रॉम कंपटीशन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री पुट सर्टेन बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फॉरन गुड्स सो फॉरन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है उसमें आ, कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रखे हैं जिससे जो लोकल आ, बिजनेस है या जो लोकल कंपनीज हैं जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हाउजेज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस ना करना पड़े फर्स्ट इज़ ट्रेड बैरियर ट्रेड बैरियर इज़ अ गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेड बैरियर सो so, जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है टैक्सेस लगा रखी है कि फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस नहीं होना चाहिए उन सब पे टैक्सेस गवर्नमेंट ने सेटअप करके रखा है नेक्स्ट इज़ फॉरेन ट्रेड बिफोर 1991, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्राम फॉरन कन कॉम्पिटिशन एज दे वेर जस्ट कमिंग अपिटीज़ एट दैट टाइम इंडिया अलाउड इम्पोर्ट ऑफ ओनली असेंशियल आइटम सच एज मशीनरी फर्टिलाइजर्स पेट्रोलियम एसेट्रा सो फॉरन ट्रेड बिफोर नाइनटीन नाइनटी वन में क्या था कि सिर्फ असेंशियल आइटम्स ही इंडिया में अलाउ कर रखे थे इम्पोर्ट के लिए लाइक मशीनरी फर्टिलाइजर्स पेट्रोलियम एसेट्रा जिससे जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस ना करना पड़े नेक्स्ट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो so, वन इसके बाद 1991 के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिससे कुछ चेंजेस या कुछ बैरियर्स लगाए गए जिसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में अलाउ कर दिया गया द डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द डब्ल्यू टी ओ दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट अर्लियर बाई द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन सो लिबरलाइजेशन क्या है रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स को जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप करके रखा था उसको ख़त्म करने को लिबरलाइजेशन बोलते हैं विद द लिबरलाइज विद द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट वॉट दे विश टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सो so, लिबरलाइजेशन के बाद में क्या ये चीज स्टार्ट हो गई कि ट्रेड बिजनेस से उनको फ्रीली एक डिसीजन मेकिंग एक फ्री उनको आ, उनको फ्री कर दिया गया कि वो अपनी विश के अकॉर्डिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं नाउ द गवर्नमेंट इम्पोज लेस रिस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड इज देयरफॉर कंसिडर टू बी मोर लिबरल अब गवर्नमेंट पहले के आ, कंपैरिजन में कम इम्पोज लगा टैक्सेस लगाने लगी थी नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्लू टी ओ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली प्रिडिक्टबल एंड एज फ्रीली एज पॉसिबल सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था इसका बेसिक फंक्शन क्या था कि जो ट्रेड हो रहा है बिटवीन वन कंट्रीज़ टू अनदर कंट्री वो उसका जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ हो और फ्री हो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है डब्ल्यू टी ओ स्टैंड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज डब्ल्यू टी ओ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये स्टैंड करता है नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया सो देर आर सर्टन पॉइंट्स इवन बिलो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर लाइक सम लार्ज कंपनीज लाइक इंफोसिस टाटा एशियन पेंट एंड वैक्सी है कंट्रीज इन अदर कंट्रीज जो बड़ी कंपनीज थी जैसे टाटा एशियन पेंट पेंट्स वगैरह की ये एक लार्ज कंपनी एम एनसी की तरह स्टैंड uh, किया और अदर कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपनी कंपनीज़ को सेटअप किया ग्लोबलाइजेशन हैज़ एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स एज देयर प्रोडक्शन हैज़ स्टॉप्ड ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनका प्रोडक्शन बंद हो गया और उनको एक तरह का थ्रेट हो गया न्यू कंपनीज दैट प्रोवाइड कॉल सेंटर्स आई टी रिलेटेड सर्विसेज अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैव केम अप नए नए तरीके की कॉल सेंटर्स आई टी रिलेटिव सर्विसज भी अब आने लगे एग्जिस्टेंस में ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स इन न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन से जो न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी भी टेक्नोलॉजिकल सेंटर में आने लगे ओके सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास